सभी बच्चे क्लास को तुरंत शेयर कर दीजिए, देर में नहीं करिए, क्लास को तुरंत शेयर कर दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आ गए जल्दी से? चलो, बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो हमारे प्यारे प्यारे शेरों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? बिल्कुल भी नाराज नहीं होना। आज आपको लोगों के लिए मैंने एक अच्छी खबर पहले ही बता दिया है। हाँ, जिनका वीडियो नहीं चल रहा है, दी गई लिंक पे क्लिक करें और तुरंत जुड़ जाएं। ठीक है, जिनका वीडियो नहीं चल रहा है लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाएं, जिनका वीडियो नहीं चल रहा है लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाएं। ठीक है, देखो बेटा रिफ्रेश हो जाएगा जिनका नहीं चल रहा है। मनोज यादव जी गुड इवनिंग, दीपक यादव गुड इवनिंग बच्चा गुड इवनिंग, प्रिंस शर्मा, करण मीना, मीरा वर्मा, एके रेनू चौधरी, अर्पित कुमार, संकेत कुमार, प्रिय दर्शनी यादव, सभी का कमेंट आ रहा बाबू। ठीक है, सबका कमेंट आ रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जिनका वीडियो नहीं चल रहा है बाबू, तुरंत फटाफट लिंक पे क्लिक करो और जुड़ जाओ, बिल्कुल देर ना करो। हाँ, जिनका भी नहीं चल रहा है सभी, चलो तो हम बात करते हैं आगे। हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 2.4। चलिए आपकी पढ़ाई पे चलते हैं। ये स्लो मोड थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, बच्चे कमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी करके गड़बड़ी नहीं करना है। हाँ, प्यार से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है और धैर्य बना के रखना है, सब कुछ बेहतर होगा, बस इतना मान के चलना है। व्हाट्सअप यादव जी आप आ गए, आप ही की कमी थी। हाँ, वो सुने नहीं हो आइए, क्या अजीब गंदी सी आवाज़ निकल रही ना, आइए आपका इंतज़ार था। चलिए ठीक है, तो ये आपका शुरू होने चल रहा है। आज मैं बड़ी हड़बड़ी में हूँ क्योंकि काफ़ी दौड़ भाग हो गई आज, तो इंतज़ार ख़त्म होता है। आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फैक्टर करना नहीं आता है, गुणनखंड नहीं आता, क्या आप उसमें से हैं? कल्पना वैभव गुड इवनिंग, बच्चों क्या आप गुणनखंड करना जानते हो? बेटा क्या आप गुणनखंड करना जानते हो? डू यू नो फैक्टर? हाँ, इंग्लिश में बात करें तो। चलो ठीक है, तो हम बात करेंगे आज आपका लाइव नंबर, पता नहीं कौन सा है, मुझे देख लेने दो। आज लाइव नंबर आपका 19 है, 19 नंबर क्लास है। तो बेटा क्लास 9th का आपका मैथ है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जो बच्चे बुक लिए हैं 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कह रहा कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, मतलब हमें फैक्टर निकालना है। क्या करना है? फैक्टर निकालना है। रूबी द्विवेदी जी आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छी बात है। हर्षित बेटा आ रहा है? व्हाट्सएप यादव आ रहा बिटिया तुमको भी? चलो देखो, समझो पहला पार्ट देखो, फर्स्ट 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसके गुणनखंड क्या होंगे आप लोग बताओ, बताइए कितना होगा इसका गुणनखंड? आज यहाँ पानी भी नहीं है और आगे बोल क्या सकता हूँ। देखो जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी उन्हें टेंशन नहीं लेना है, मैं उन्हें बता रहा हूँ। ठीक है बच्चा, अगर आपको नहीं आ रहा डोंट वरी, मैं बताऊँगा। चलो ठीक है, बेइज्जती कहने, देखो मतलब अब गरियाएगा भी, कहेगा गजब बेइज्जती है यार। बैरूलाल आ गए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा, जैसे 24 है ना, इसके गुणनखंड के बारे में आप लोग मुझे बताओ इसका फैक्टर क्या होगा। बेटा देखो, इसका फैक्टर तुम कर सकते हो ना, हम सबको पता है इसका फैक्टर कैसे करते हैं। देखो ये 2 × 4 × 8 × 16, क्यों भैया सही चल रहा है का? 16 × 32 हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 24, ये इसका क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। अच्छा आप लड़के हैं, मुझे नहीं पता था यादव जी कि आप लड़के हैं, मुझे लग रहा था कि आप लड़की हैं।
चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जो भी हैं तो कुछ ना भाई, दोनों में से तो कुछ ना कुछ है ही है। चलिए इसको फैक्टर इस तरह से करते हैं, अब इतना तो आप लोगों को आता है, मैं इसको क्यों बताऊं क्या मतलब है, नहीं मतलब ना, अगर नहीं आता तो बेसिक देख लेना बेटा, ठीक है। चलो ये समझ गए, तो कुछ ऐसे ही हमें इसका फैक्टर करना है, इधर वाले का बीच वाले पद को तोड़कर। देखो फैक्टर करने के कई तरीके हैं, तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो है बीच वाले पद को तोड़ करके। तो बच्चा आपको ये काम करना है, इसको करने के पहले एक चीज और समझना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर इसके मैं फैक्टर पूछूं तो आप कैसे करोगे? चेतन आनंद समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? मेरी खोपड़ी के पीछे वाला मत देखो, तुम इसको देखो, देखो मैं समझा रहा हूँ बच्चा। बीच वाला जो पद है उसका हम गुणांक लेते हैं, जैसे इसमें 7 है, और जो लास्ट वाला आपका कांस्टेंट होता है उसको पकड़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई दो ऐसे अंक हमें मिल जाएं जिनको अगर हम गुणा कर दें तो ये आ जाए 10, और अगर जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो तुम लोग मुझे ये बताओ बेटा कि वो दो संख्या कौन सी हैं जिनको जोड़ दें तो 7 आ जाए, गुणा कर दें तो 10 आ जाए। सभी बच्चे बताओ, रविशंकर जी बताइए, वो कौन कौन सी दो संख्याएं हैं ऐसी? आज लाइट बहुत धीमा है, बड़ा काला काला दिख रहे हैं, बेइज्जती हो रही ना, लाइट बहुत धीमी आज। अरे उतना गोरे नहीं हम जितना दिखते हैं तुम लोग को, मैं उतना बनाया रहता हूँ। चलो कुछ सही हुए ना, ठीक है, हाँ 5 और 2, ठीक है, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड, ओके। तो 5 और 2 होगा ना, यानी हम 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 में 2 को गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो बस हमें यही तो चाहिए था, यही चाहिए था बेटा, यही चाहिए था। तो अब हम 7 की जगह पर 5 और 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 7 की जगह पे 5 और 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस ये 5 प्लस 2 इंटू यक्स प्लस 10। पहले बताओ इतना समझ में आया? देखो जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, अगर तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो हम इसको इतना स्पीड में ख़त्म करेंगे ना कि तुम देख भी ना पाओगे कब ख़त्म हो गया। और अगर प्यार से पढ़ोगे ईमानदारी से तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊँगा साला, कोई जाएगा नहीं, इंटरनेट समस्या है। देखो भैया थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या हो गई है, बच्चों इन्वर्टर आ गया है लेकिन फिर भी ये झलवा रहा है, अभी अभी लगता है, तुरंत लगेगा, लेकिन समस्या क्या है ना, अभी लगा नहीं है ये लाइट, जब एक बार जैसे डिप हुई तुरंत वाईफाई बंद हो जाता है, तुरंत वाईफाई बंद हो जाता है और इस वजह से आपका कनेक्शन कट जाता है, समझ रहे हो ना? हाँ ये समस्या किसकी है? इंटरनेट की है, इंटरनेट जैसे गड़बड़ होता है तुरंत चला जाता है। तो वो आज से नहीं होगा, आज ये लास्ट क्लास है, जितना तड़पाना आज ये तड़पा ले बेटा, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से ऐसा नहीं होगा, अभी अभी कल से ऐसा नहीं होगा, आज सब सेटअप हो जाएगा जो भी समस्याएं हैं। चलिए नहीं जाना नहीं, कोई जाना नहीं, नहीं बहुत मारेंगे लतिया लतिया मारेंगे, जान लो। चलो देखो तो ये क्या किया मैंने, मध्य पद को 2 भाग में तोड़ा, मध्य पद को 2 भाग में तोड़ा और इस तरह से आपका 5 धन 2 आया। अब क्या करेंगे, अंदर में गुणा करके कामन ले लेंगे बेटा, ठीक है, अंदर में क्या करेंगे, मल्टीपल करके कामन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यक्स का स्क्वायर प्लस 5 का यक्स में मल्टीपल 5x 2 का यक्स में तो 2x, हाँ, और प्लस का ये 10 ऐसे उतर जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता दो, किसी को कोई परेशानी है तो बता दो बेटा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी वो मुझे पता है। चलो ठीक है, इरफान अंसारी समझ में आ रहा है, ठीक है बेटे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब इन दोनों में कॉमन लोगे, इसमें भी कॉमन लोगे,
जिनको ना समझ में आएगा मैं उन्हें बताऊंगा, टेंशन मत लेना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो बेटा इसमें यक्स कामन ले लोगे तो यक्स प्लस फाइव बचेगा, इसमें प्लस टू कामन ले लोगे यक्स प्लस फाइव बचेगा। जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, और जो दोनों कॉमन अलग अलग था उसे जोड़ के लिख देते हैं। ये आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फाइनली आंसर हो गया। तो आपकी क्लास आज शेयर नहीं हुई है, इस वजह से बच्चे बहुत कम हैं। तो बाबू आप लोग एक काम करो, इस क्लास को शेयर कर दो ना यार, क्वेश्चन लिख लो। ये पहला हो गया आपका गुणनखंड, ये किताब का सवाल नहीं है, ये मैं आपको गुणनखंड सिखाने के लिए बताया हूँ। आज की कक्षा 9 की लाइव क्लास शाम को 7:30 बजे से शुरू हो गई है, आप लोग तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है, तुरंत आ जाएंगे बच्चे फटाफट, डोंट वरी। चलो ठीक है बेटा, चलो ओके 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 ओके। चलो तो ये इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या इसका? चलो ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करो बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार। हाँ क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन पे चलो, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखो ध्यान से, ये हो गया, ये बताओ सबको समझ में आया? बोलो यस, सबको समझ में आया? यस यस यस। चलो अब इसी तरह से आप एक और देख लो, तब फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जो आपका किताब वाला प्रश्न है, क्योंकि हमारी कोशिश है जो बच्चा कमज़ोर है उसको भी आ जाए। हाँ जो कितना भी कमज़ोर बच्चा है उसको भी आ जाए, हमारी ये कोशिश है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। संजीत कुमार, विवेक, समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझो, बड़े प्यार से समझो। देखो ये है वाई का स्क्वायर और प्लस 11x, हाँ प्लस 24। बेटा देखो इनके दो फैक्टर करोगे तो कितना आएगा मुझे ये बताओ, जल्दी बताओ। नहीं आज के बाद कोई समस्या नहीं आएगी, आज ये लास्ट समस्या है, आज ये लास्ट समस्या है इंटरनेट वाली, क्योंकि इंटरनेट भी हम दोनों रिचार्ज रखेंगे और आपका लाइट डिस्कनेक्ट होने नहीं पाएगी एक भी सेकंड, तो कुछ नहीं होगा। भगवान शुक्र करें कि हम सलामत बने रहें, बस इतना दुआ बना के रखना। हाँ बाकी हम ना रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है। रोशन बेटा पढ़ लो, रोशन कुमार बोलू कर दीजिए हमारा भी, तुम पढ़ने आओ बोलू कराने आए हो? हाँ पढ़ लो, यहाँ बोलू किस्मत वालों का होता है, और बोलू नहीं है ब्लू है, सबका नहीं होता है। चलो अरे ये एक ही चल रहेगा यार, देखो यहाँ पे अगर वाई है तो यहाँ भी वाई रहेगा, यहाँ पे यक्स है तो यहाँ भी यक्स रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे, सबसे जब पहला जवाब अभिलाष कुमार ने बताया है, अभिलाष कुमार एके तुम्हारा गलत है। रेणु चौधरी ठीक है, शिवम, रुद्र प्रताप सिंह ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब, 11 को हम लिख सकते हैं 8 धन 3। देखो कुछ बच्चे 5 और 6 बता रहे हैं, तो बेटा देखो 5 और 6 तुम 11 तो कर लोगे, लेकिन 5 और 6 का गुणा करोगे तो ये 30 आएगा, जो कि हमें 30 नहीं लाना है, हमें 24 लाना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। नरेश बेटा तुम बहुत नज़र में चुभ रहे हो मेरे, पढ़ लो बाबू पढ़ लो राजा पढ़ लो, फालतू का चैटिंग पैटिंग ना करो, पढ़ लो। तो हो गया ये, अब देखो सीधा सा है, मैंने कुछ नहीं करा इसमें भाई साहब, हाँ कुछ नहीं करा मैंने, वाई का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 11 को मैंने 8+3 लिख दिया, ये वाई बच रहा था चचा को इनके बगल में लगा दिए पीछे, और ये प्लस ऐसे लिख दिया, 24 को ऐसे लिख दिया पूरे इज्जत और मान सम्मान के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करा है मैंने, वाई का स्क्वायर ऐसे है प्लस 8 का वाई में गुणा किया बेटा, तो ये 8y हो गया, प्लस 3 का वाई में गुणा किया 3y हो गया, प्लस 24। देखो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, 4 नंबर क्वेश्चन करने के लिए बेटा ये समझना ज़रूरी है,
अगर तुम्हें ये आएगा तभी तुम 4 नंबर क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, जिन लोगों के मन में खुजली मच रही है कि ये कौन सा किताब का है, कौन सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा खोपड़ी में पानी डाल के ठंडा कर लें। अब इन दोनों में कॉमन लोगे, इनमें कॉमन लोगे, इनमें। अच्छा, जिनको कॉमन लेना नहीं आता बेटा, यहाँ समझ लो, थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ देखो, जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा कि बच्चा यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन का मतलब समझो, कॉमन का मतलब समझो, समझो समझो समझो। ये बताओ बच्चा, हमारे दोनों हाथ में काका है, दिख रहा तुम्हें कुछ? दिख रहा है? तो कोई ऐसी वस्तु है जो दोनों में है? क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ दिख रहा है? तभी बताना। हमने एक पेन लिया है, मार्कर लिया है, इंक लिया है और मार्कर लिया ना। अगर मैं तुमसे कॉमन पूछूं कि दोनों हाथ में क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो दोनों में है? ना बया, पेन गलत है। यशराज सिंह गलत है बेटा, तुम्हारा भी गलत है। रुद्र प्रताप मार्कर कोई बता रहा है, रवि देखो ये पेन है गधों, ये मार्कर है, तो तुम जो इनको पेन बोल रहे हैं वो मार्कर समझ लें, इसे पेन मत बोलो। तो दोनों में जो कॉमन है बेटा वो है मार्कर, मार्कर जो बोर्ड पे लिखा जाता है, ये चाचा लोग कॉमन है। इनका कलर अलग है भले, लेकिन काम एक का है। इनकी साइज उतने मोटा है दोनों, उतने अच्छा चलते हैं, उतने सुंदर चलते हैं और उसी हाथ में चलते हैं। लेकिन ये स्याही और ये पेन, ये दोनों अलग अलग वस्तु हो गई ना, लेकिन मार्कर एक हो गए। तो मार्कर क्या है? कॉमन है। मार्कर क्या है? कॉमन है। समझ में आया? कॉमन का मतलब यही होता है। अब इससे ज़्यादा अच्छा तुम्हें कौन समझाएगा? इससे ज़्यादा अच्छा तुम्हें कौन समझाएगा? चलो समझ गए ना। तो इसमें क्या है, इसमें उसी तरह से अगर तुम देखो तो क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है? हाँ बेटा, इसमें जो है वाई कॉमन है, क्योंकि इसमें भी वाई है, इस पद में भी है, इसमें भी है। तो इसमें जब तुम वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? देखो कॉमन का मतलब समझ लो चाचा, इधर देखो, समझो समझो, इधर कॉमन का मतलब समझो। अगर मैं तुमसे इसमें बोलूं कि वाई कॉमन ले लो, तो वाई कॉमन लेने का मतलब ये हुआ क्या, ये वाई इंटू वाई है ना। बोलो इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसको 8 × y कर सकता हूँ? तभी बोलो, पहले इतना देखो बस, तुम और कुछ मत देखो, आंख बंद कर लो, सिर्फ इतना देखो बेटा, वाई स्क्वायर को हम वाई इंटू वाई कर सकते हैं, 8y को हम 8 × y कर सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि हम वाई कॉमन लिए, मतलब वाई से इनको सबको भाग कर दिए। कॉमन का मतलब सिर्फ भाग होता है, तो वाई से वाई कट जाएगा बच्चा, ये वाई से वाई कट जाएगा बेटा। तो बच्चा कहाँ बचेगा राजा, ये वाई बचेगा, ये 8 बचेगा, ये बचेगा। समझ में आया सबको ना? सबको समझ में आया ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई कॉमन होगा, तो वाई प्लस 8 बचेगा। अब मत पूछना तुम कैसे बच रहा है, ये इतना अच्छा इसका पोस्टमार्टम कर दिया, हड्डी हड्डी अलग करके दिखा दिया, फिर भी तुम ना समझो तो फिर भगवान नाराज है तुम्हारे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे बात पूरा हो जाए, क्योंकि मैं मिटाने में देर नहीं करता हूँ, हाँ बनाने में टाइम लगाता हूँ, मिटाने में नहीं। चलो अब तुम्हें अगर कोई समस्या है तो फिर बताओ। ध्रुव एंटरटेनमेंट बेटा, समझ में आ रहा है? सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो बिना देर करे, तुरंत कर दो भाई। हाँ तो इसमें भी यही बचेगा बेटा। देखो गुणनखंड में एक खासियत है, कुछ भी कॉमन लोगे तुम, दोनों कोष्ठक में एक समान पद आएगा, जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा। हाँ जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा, दोनों में पद वही आएगा, ठीक है? तो जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिख देते हैं, और वाई प्लस 3 जो एक सिंगल सिंगल कॉमन था उसे जोड़ देते हैं, आंसर हो गया, ठीक है? व्हाट्सएप यादव तुम्हारा चल नहीं रहा इंटरनेट, अब तुमको ना उठा उठा के पटकेंगे, जान लो, रख देंगे उठा के, फूट जाएगा खोपड़ी, जान लो। पढ़ लो चुपचाप, या तो कुछ ऐसे ऐसे गधे हैं ना, मलिच्छ टाइप के ना, जिनको ना नहाना है ना धोना है, हाँ आँख से सही दिख रहा नहीं, कीचड़ उचड़ लगा है, अब उनको लग रहा है बफरिंग कर रहा है, अब नहाए धोए रहे तो थोड़ा दिखावो करे। अच्छा लिख लिए, मिटा दें।
यशराज समझ में आ रहा बेटा, रविशंकर समझ में आ रहा है, अक्षय कुमार, रमेश गुर्जर, हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चलो जो बच्चे तड़फड़ा रहे हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बेटा, देखो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट नहीं कर पाओगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कमेंट कर पाओ। हाँ चलो, तो ये हो गया, अब हम चलेंगे मेन क्वेश्चन पे। देखो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाऊंगा, इसमें ये वाई अकेला है, इसमें ये बेटा अकेले नहीं है, जोड़ीदार हैं ये दोनों परानी हैं। हाँ यक्ष तो है लेकिन इनके साथ बारह भी है, तो इसमें दोनों परानी है, ये अकेला है, मतलब ये कुंवारा ही शादीशुदा है, समझ गए ना। देखो समझो, तो इसमें तो हम ये कहते थे कि बीच वाले पद को तोड़ देना है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं बताते थे। हाँ बाकी कुछ नहीं बताते थे, जैसे लोगों को पहले लगता है कि भाई शादी करना बड़ा मज़ेदार चीज़ होता है, लेकिन घर में कितनी कलह बाद में होती वो तो बाद में पता चलता है, तो वही हालात इधर है। हाँ फिलहाल हर जगह नहीं होती है, उसको ज़्यादा गहराई से मत सोचो, पहले इधर पढ़ो। तो इसमें क्या है, इसमें 12 है लेकिन दिख रहा है बाहर, तो इसका बीच का पार्ट तोड़ने के पहले हम इस 12 को पकड़ के 1 में गुणा करते हैं, लेकिन वो चीज़ किसी से बताते नहीं गुणा कर रहे हैं, जैसे अंदर का अपने दर्द जो है अंदर अंदर समझते हैं क्या पीड़ा है, कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जो किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे होता है, ये 12 का 1 में मल्टीपल करेंगे लेकिन उसे हम खुद समझेंगे अपने में ही, कहीं लिखेंगे नहीं कि मैंने किया है। हाँ तो 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 यानी हमें क्या करना है बाबा, गुणा करने पर 12 लाना है, गुणा करने पर 12 लाना है। हाँ और यहाँ पे प्लस है ना, ये ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर, जोड़ने पे 7 लाना है। अब बताओ कोई ऐसा दुई गिनती है, गुणा करने पर 12 आए जोड़ने पर 7 आए, मुझे तो नहीं लग रहा होगा, कोई ऐसा दो गिनती है गुणा करने पर 12 आए जोड़ने पर 7 आए। देखो रेणु चौधरीया बता रही, वाह बहुत अच्छे, रीसु तिवारी वेरी गुड, तुम लोग तो एकदम नंबर एक पे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये बच्चा हो जाएंगे 3+4, तो 3+4 ये आपका हो गया, जो आपका मुख्य पार्ट था वो आपने खोज लिया। तो ये चीज़ समझ गए ना, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन उससे, इसीलिए मैं बोला कि मैं पहले इसको नहीं करवाऊंगा, पहले उसको करवाऊंगा जिससे तुम थोड़ा समझ जाओ। तो बेटा इनको ऐसे लिखेंगे, 12 को ऐसे ही लिखेंगे, ये 12x का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 7 को 3+4 लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस, ये गुणा करोगे 3 का x में, तो बेटा यहाँ माइनस है, ध्यान रखना अगर कोष्ठक के पहले माइनस है, ब्रेकट के पहले माइनस है, तो ब्रेकट खुलने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो माइनस का ये 3x रहेगा क्योंकि 3 का x में गुणा होगा, और फिर ये प्लस है, अंदर में क्या था, प्लस था, शुरू में माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है बेटा, तो ये 4x हो जाएगा जब 4 का x में गुणा होगा, और ये प्लस 1 वैसे उतर जाएगा। जिनको ये नहीं आ रहा है वो बेसिक मैथ पढ़ें, PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर रात के 9 बजे से बेसिक मैथ होता बेटा, अभी इस समय बंद चल रहा है, हो सकता है 15 अगस्त तक फिर से शुरू हो जाए, तो रात के 9 बजे तुम बेसिक पढ़ना, बिना बेसिक के ये होने वाला है नहीं, और तुम्हें कुछ आएगा है नहीं, तो बेसिक आना चाहिए। इन दोनों में कॉमन लेंगे 3x, तो इसमें बेटा बचेगा 4x, और इसमें क्या बचेगा बाप, क्या बचेगा बाबू, इसमें भाई 3x था उसको निकाल लिए तो माइनस का 1 बचा, इसमें तुम माइनस का क्या करोगे, 1 कॉमन लोगे तो 4x माइनस का 1 बचा। एक बात ध्यान देना, दोनों में बराबर बराबर कोष्ठक में बचना चाहिए, कुछ अलग नहीं बचना चाहिए। प्रमोद इलेक्ट्रिकल जी समझ में आ रहा कुछ कि नहीं, हाँ AK अनूप, नाभ्या गुप्ता, नवनीत कुमार, जिनको बेसिक नहीं आता बाबू उन्हें समस्या होगी, जिनको बेसिक आता उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। चलो अब इसका फाइनल आंसर ऊपर लिख देंगे। अच्छा जितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो ईमानदारी से नो लिख के कमेंट करें, NO, हम जान जाएंगे कि कितनों को नहीं आया, जो कक्षा 9 में है सिर्फ वही करेंगे बस, बाकी दूसरी पढ़ाई करने वाले बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ 9th वाले।
कोई है जिसको ना आया? कौनो गधा है इतना बड़ा? कौनो गधा नहीं है, सब घोड़ा है भाई, ताकतवर घोड़े हैं ये, सब गधे नहीं है। चलो यह एक ठी निकला, दो ठी निकला है एक है मतलब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आप अगर सिस्टम से पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, आने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं गधा बोल रहे हैं, तुम बताओ बिना करो, अपनी बीमारी छुपाओ नहीं, ये बढ़ जाएगी। तो फाइनल आंसर आएगा आपका ये 3x-1, ये आपका आंसर हो गया फाइनल वाला। ठीक है बेटा, ये फाइनल आंसर हो गया। किताब से उत्तरमाला मिला लो, मिल रहा है कि नहीं? हिमांशु वर्मा तुमको काहे दर्द हो रहा बेटा? हिमांशु वर्मा और मनीष, मनीष मनीष समझ में आ रहा है? चलो लिख लो, लिख लो फटाफट, लिख लो, लिख लो। दूसरी बड़ाई वाले क्यों नहीं? चलो लिख लिए, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चे बुक लिए हैं नाइन्थ की? जो बच्चे नाइन्थ की बुक लिए हैं वो यस लिख के कमेंट करें। देखो दूसरी पढ़ाई वाले क्यों ना बोले, मैं इसलिए बोला क्योंकि जिस बच्चों के टारगेट करके ये पढ़ाया जा रहा है, विशेष रूप से उनके लेवल का है। ठीक है, आप अगर कोई और पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लेवल से अलग हो, तो फिर हम आपको यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे ना, आपका क्लास अलग से होगा उसका। देखो समझो अगला, तो बच्चा बुक वुक लिए हो तुम लोग, ठीक है। अगला है 2x² प्लस 7x प्लस 3, इनके गुणनखंड करके कोई बताएगा मुझे कितना आएगा? जल्दी बताओ, कोई भी एनीवन बता दे कितना आएगा। हाँ कितना आएगा बाबू, जल्दी बता दो तो एक मिनट में। कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ देखने दो, सही चल रहे हैं। देखो बच्चा इसमें तुम 2 का 3 में मल्टीपल करोगे, 6 हो जाएगा। गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 7 आए। देखो गुणा करने पर 6 क्यों आएगा, क्योंकि शुरू में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 है, और 2 का मल्टीपल करोगे 3 में तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6। यानी आपको वो नंबर फाइंड करने हैं बेटा जिनका मल्टीपल करने पर 6 आए एंड एडिशन करने पर 7 प्राप्त हो, तो वो नंबर हो जाएंगे आपके 2 और 3। 2 और 3 करोगे दादा तो 2 3 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 3 5 हो जाएगा, हमें जोड़ के 7 लाना है, गलत है, तो वो हो जाएगा 6 और 1, 6 और 1, 6 का तुम 1 में जोड़ लो भाई, गुणा कर लो 6 का 1 में जोड़ लो, हो नहीं गया? जोड़ोगे 7 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 6 रहेगा। तो ये था इसका फंडामेंट, ठीक है। BJC मैथ बिल्कुल नहीं आती बेटा, देखो इंक्वायरी के लिए नंबर दिया ना बाबू, इंक्वायरी के लिए नंबर दिया, उस पर कॉन्टेक्ट करो, मैथ बिल्कुल आने लगेगी। चलो तो 2x² प्लस, देखो 7x जहाँ पे है वहाँ पे तुम लिखोगे बेटा ये 6+1, सॉरी केवल 7 की जगह पे 6+1 लिखोगे 7 की जगह पे, और इंटू एक्स वैसे रहेगा, प्लस का 3 ऐसे रहेगा बस। तो ये 2x² प्लस 6x में मल्टीपल 6x प्लस 1x में तो x प्लस 3। फाइनल में आगे बढ़ोगे इनमें दोनों में कॉमन होगा, तो बेटा देखो इसमें 2x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा, इसमें 1 कॉमन लोगे x प्लस 3 बचेगा। कॉमन लेना मैं सिखा दिया हूँ, नहीं तो कुछ तो गरिया रहे हो मन मन, कैसे हो जा रहा है? कॉमन लेना मैं सिखा दिया हूँ, इनमें कॉमन लिया गया है और ये छोटे के चच्चा में कॉमन लिया गया है। लिख लो,
इसका फाइनल आंसर हो जाएगा यक्स प्लस तीन, जो दो बार आया एक बार हो जाएगा, और ये दो यक्स और ये प्लस वन, ये आंसर हो गया। उत्तर माला मिला लो भैया, मिल रहा है कि नहीं? मिला लो मिला लो। 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, एक्स प्लस तीन दो एक्स प्लस वन, ठीक है। चलो सबको समझ में आया ना बाबू? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ना? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज बहुत कुछ सूख गया है, धीरे धीरे ताज़ा हो रहा है। अब एक काम करो तुम लोग, अब इस क्लास को पहले लाइक करो, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब मेरी आत्मा जवाब नहीं दे रही है, दुख हो रहा है इसे। दो मिनट का टाइम है, सभी बच्चे लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। मैं इसमें पानी मंगा लेता हूँ, क्योंकि पानी के सिवा और कुछ है नहीं ज़िंदगी में। रुको, ठीक है, एक मिनट रुके रहो। जितेन ये पानी ले आओ थोड़ा से। चलो ठीक है, आगे देखो, आगे देखो यार, बड़ी समस्या है आज, काफ़ी गर्मी है ना यहाँ पे, तो दिक्कत हो रही थोड़ा सा। चलो कर दिए सभी? अभी नहीं करा। सभी जल्दी से लाइक करो, देर ना करो, बिल्कुल एक को सेकंड का देर ना करो। और अपने व्हाट्सएप में शेयर करके आओ बाबू, ठीक है? 10 बच्चों ने लाइक किया मेरे कहने के बाद, 10। क्लास को शेयर करके आओ अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, ये तो रोज़ किया करो ना यार। देखो कहने से नहीं कुछ होता है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपको समझना चाहिए। अभी हमें और पढ़ना है कम से कम आधा घंटा, कम से कम एक घंटे से नीचे क्लास नहीं होनी चाहिए। ताबड़तोड़ पढ़ते रहो, टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझ में आने की भरपूर गारंटी है, पूरी 100% गारंटी है समझ में आएगा। बस क्लास को ईमानदारी से देखना, यहाँ से अंदर से आएगा, देखो समझे। चलो चलो देखो, प्रमोद आ रहा समझ में? मनोज सिंह, हाँ जी मनोज आ रहा है, आ रहा है। हर्षित, जैसा तू सोचता है मेरी जान, हर कोई वैसा नहीं है। और तू ये सोचता है कि हर किसी को पसंद आ जाए, तू इंसान है पैसा नहीं है। वाह भाई, हर्षित जी ने लिखा है, एक बार फिर से पढ़ने तो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा तू सोचता है मेरी जान, हर कोई वैसा नहीं है। और तू ये सोचता है कि तू हर किसी को पसंद आ जाए, तो तू इंसान है पैसा नहीं है। भाई दिल वाली बात लिखा है आपने तो, क्योंकि पैसा हर किसी को पसंद आ जाता है, लेकिन इंसान हर किसी को पसंद नहीं आता है ना। लेकिन बेटा इंसान जिसको पसंद आ जाता है, फिर उसे सब कुछ पसंद आ जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? उसकी बुराइयां अच्छाइयां में बदल जाती हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, इतना कमाल का काम किया। देखो ऐसे करो कुछ अलग, तुम लोग तो बैठ के मुँह ताक रहे हो, हाँ कुछ शेर शायरी बोले जाओ तब भी सही है, बीच बीच में गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ चलो, दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। तो ये हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर की तरफ में। अबे डाटा मेरा काहे खत्म हो रहा है मोबाइल का। चलो हर्षित जी, अब आप नज़र में बन गए हो मेरे, विशेष रूप से, क्योंकि आप बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी लग रहे हो मुझे। कहीं कुछ अनुभव लेके आए हो का? 5x-6 बताओ, इसका जवाब दो, कैसे तोड़ेंगे बीच में? हाँ सभी बच्चे बताओ, इसमें कैसे हम इसको तोड़ेंगे बीच में? देखो इसमें बेटा एक अलग चीज है, वो तुम्हें समझना है। क्या? लास्ट में माइनस का चिन्ह है ना, तो बीच वाला जो हम जोड़ के लाते थे वो घटाने पे आएगा, ये बात ध्यान देना। अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच वाला पद बच्चा जोड़ने पे नहीं आएगा, घटाने पे आएगा। यानी गुणा करने पर तो 36 आए,
लेकिन घटाने पर बेटा 5 आए। कोई दो ऐसी गिनती बताओ जिनको घटाने पर 5 आए, गुणा करने पर 36 आए। जरा सोचो, बताओ। गुणा करने पर 36 आए, घटाने पर 5 आए, 18 दूना 36, 18 में से 2 घटाओगे 16 आएगा। चचा हमें 5 लाना है घटा के, हाँ घटा के 5 लाना है। 6 का 6 में गुणा करो 36, लेकिन 6 का 6 में घटाओगे तो सुन्ना मिलेगा, लड्डू मिलेगा, गलत है। 9 का 4 में कर लो दादा, मुझे लग रहा सही है, लो मिल गया। 9 के 4 में कर लो बेटा, तो 9 का 4 में करोगे तो ये फाइनल में आपका मिल गया, मिल गया, जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। चलो तो ये हो जाएगा आपका 6x का स्क्वायर प्लस 9-4। याद रखना ये घटाने के बाद ही आना चाहिए बस, यानी उत्तर से क्वेश्चन आना चाहिए, इंटू x माइनस का 6, ठीक है। तो ये 6x का स्क्वायर प्लस 9x-4x माइनस का 6। अब बेटा इनमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, हाँ समझ रहे हो ना। तो इसमें कॉमन 3x ले लेंगे, बचेगा क्या 2x प्लस 3। इनमें बेटा माइनस का 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस का 3 बचेगा। एक बात यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हमने कॉमन माइनस का 2 लिया है, तो जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। मतलब ये नहीं जरूरी कि माइनस का 2 लेने पे हो जाता है, मतलब तुम कोई भी नंबर अगर माइनस में कॉमन लोगे तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और फिर जैसे कोष्ठक खोलोगे फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना है। देखो भाई अभी शेर शायरी वाला मैं पूछूंगा तब बताना, अभी नहीं बताओ, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, अभी रुके रहो, बोलूंगा जब तब बताना, अभी लिख के रखे रहो, मैं पढ़ दूंगा सबका। ये आपका आंसर हो गया फाइनल में, ठीक है। चलो बेटा लिख लो, हाँ हाँ सभी अपनी कला का प्रदर्शन कर लेना, इसको लिख लो, लिख लो बेटा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। आपका थर्ड पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.4, क्लास 9th, ठीक है। 39 मिनट तो दिख रहा है क्लास हो गई, लेकिन अभी और चलने दो, मत रोको इस क्लास को, चलने दो धुआंधार, हाँ मत रोको। अभी मैं पूछूंगा, तुम सब लोग बताना। रोशन बेटा जो पढ़ा रहे हैं पहले उसे पढ़ लो, भैया रोशन बाबू जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ लो राजा। पहले 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इसमें बताओ मुझे, चलो कितना आएगा बताओ। देखो गुणा करने पर 12 आए, ये बात यहाँ ध्यान देना, 3 का तुम 4 में गुणा करोगे बेटा पहले, और मन ही मन जानोगे, जैसे मैंने बताया था कोई प्रकार की गुप्त बीमारी होने पर लोग मन ही मन तड़पते हैं, किसी से नहीं कहते हैं, तो वैसे ये गुप्त प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ किसी से नहीं कहना है। 3 का 4 में मल्टीपल कर लो 12 आएगा, वो तुम्हें खुद समझना है, कहीं लिखना नहीं है। और यहाँ माइनस है तो घटाने पर x आए, x तो आएगा नहीं, इसका गुणांक आना चाहिए 1 है। गुणांक क्या है 1 है, बेसिक में पढ़ाया हूँ, नहीं आता बेसिक तो बेसिक पढ़ो पहले, क्योंकि ये 9th का पढ़ रहे हो, बेसिक नहीं है ये, ठीक है। तो बेटा कुल मिला के गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए, हमें ये करना है। तो बताओ कोई ऐसा दुई गिनती, संकेत कुमार, प्रिया शर्मा, प्रियंका, हिमांशु वर्मा, करण मीना, अभिषेक यादव, नाव्या गुप्ता, BLP म्यूजिक राजस्थानी, मनोज सिंह, मनोज यादव, ठीक है। चलो आई हेट यू और क्या, यशराज सिंह बच्चा तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे हेट यू कहने लगेगी, पढ़ लो पढ़ लो, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है। चलो तो ये हो जाएंगे 3 और 4, हाँ चाहे तो तुम
चार और तीन कर लो या तीन और चार कर लो, मतलब वही होता है। तो ये सुंदर लगेगा जब इसे तुम चार और तीन करोगे, हाँ, क्योंकि बराबरी का मामला दिखेगा। तो बेटा ये तीन एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस यक्स की जगह पे तुम चार माइनस तीन इंटू यक्स माइनस का फोर कर लोगे। बस नीचे उतारते चलो फटाफट। तो ये तीन एक्स का स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और प्लस का तीन एक्स माइनस का फोर, ठीक है, चलो ओके है ना, सब कुछ ओके है, एकदम मस्त है। अब मुझे इसमें कॉमन लेके तुम उत्तर बताओ एक एक बंदा, चलो जल्दी चलो बेटा फटाफट बताओ, ये आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है। वंशिका समझ में आ रहा है, हिमांशु वर्मा, संजीत कुमार, कुछ समझ में आ रहा बेटा? अच्छा ये बताओ, मैं थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ। अब मुझे इसमें कॉमन लेके तुम उत्तर बताओ एक एक बंदा, चलो जल्दी चलो बेटा फटाफट बताओ। कहीं मैं तेज तो नहीं बोल रहा था? नहीं ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डोंट वरी। देखो बेटा कुछ भी बज जाए, आज क्लास एक घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। आज लेट हुआ है, मुझे निचोड़ना है उसका, लेट जो हुआ है उसको भरपाई करना है। इसमें देखो बच्चा यक्स कॉमन होगा सिर्फ, तो तीन यक्स बचेगा माइनस चार बचेगा। बेटा इसमें तीन यक्स और चार केवल हैं अकेले, तो इसमें प्लस वन कॉमन होगा तो तीन एक्स माइनस चार बचेगा। तो फाइनल में आंसर तीन एक्स माइनस का चार, जो दोनों में कॉमन था वो एक जगह लिख दिया जाता है, और जो कॉमन था जैसे एक्स और इसका वन, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ अच्छा, जितने भी बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया वो नो लिख के कमेंट करें, मैं देखूँ क्या ऐसा भी कोनो गधा है। तो भाई खच्चर पार्टी भी एक आए हमें, है कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया एक को पैसा? देखो अगर प्यार से समझोगे तो सब समझ में आएगा। भाई वंशिका को ब्लॉक कर दो, ये तो बड़ा खतरनाक चीज दिखा रही, इनको ब्लॉक कर दो भाई, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो फटाफट तुरंत। इतना डेंजरस चीज यहाँ पे मत दिखाओ, नहीं तो ये लोग पढ़ेंगे नहीं, ये लोग समा जाएंगे उसी में। चलो चलो ब्लॉक करो इन्हें फटाफट। तो ये फोर का सब पार्ट हो गया, अब फाइव नंबर में आ जाओ, फाइव नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। मच्छर घुस गया मुंह में, रुको पानी पी लेता हूँ, हजम हो जाए, एक मिनट रुक जाओ। अरे ये पंखा चल रहा था सामने से उड़ गया हल्के मुंह में। मतलब समझ रहे हो ना, अगर भूल चूक से मच्छी मक्खर मुंह में घुस जाए ना, पानी पी लो अंदर चला जाएगा, वो निकालने कोशिश मत करो। क्यों फालतू परेशान होगे काफ़ी देर तक, निकलेगा या नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करोगे, वो गया। चलो तो फाइव नंबर क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। फाइव में भी बेटा क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? फाइव नंबर में भी गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो समझो सभी, अब कल्पना वैभव समझ में आ रहा है? नाभ्या गुप्ता, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यही कह रहा था। हाँ अच्छा, तुम लोग को अब समझ में आई मेरी बात जो मैं बोला था? चलो ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, और बीच बीच में क्या सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक लिए हो? हाँ एनसीईआरटी बुक लिए हो बेटा? अगर किताब लिए होगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, 25% एडवांस में समझ में आता जो किताब लिया है, और जो किताब नहीं लिया ना उसे समझ में नहीं आएगा।